Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you are already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. My name is Bilal Parvez and I will tell you about the counterfactual thinking. Basically, what is counterfactual thinking? As we see from its name, counterfactuals mean counter to facts. Mean के ऐसे हमारे पास लाइफ इवेंट्स हो चुके हैं जो मतलब जो लाइफ इवेंट्स हमारे हो चुके हैं कोई भी पास में मतलब फैक्ट्स आके पता हमें ये हो चुका है तो अब हम सोचें दोबारा कि काश अगर हम ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता. फॉर एग्जाम्पल हम अगर देखें कि अगर कोई स्टूडेंट्स ना मतलब एग्जाम में फेल हो जाता है तो फिर वो बाद में सोचता है कि काश मैं मेहनत कर लेता कि काश मैं पढ़ लेता. ये बेसिकली काउंटरफैक्चुअल थिंकिंग है उसकी कि वो बाद पास इवेंट के बारे में फैक्ट्स के बारे में मतलब अपोजिट उसके सोच है. ठीक है, अब चलें अब हम इसकी देखेंगे टाइप्स कौन सी हैं. ठीक है, और इसके इफेक्ट्स पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं और कैसे ये काउंटरफैक्चुअल थिंकिंग हमारी मतलब डेली लाइफ में हमारे वर्क करती है. About the positive and negative effects of controversial thinking. Now I am going to question about how controversial thoughts work in daily life. Have you ever made a decision that you thought was wrong at the time, but now you think you made the right decision? Yes, when I was about to enter the bachelor level, it was hard for me to choose. And then I chose the clinical psychology field on the suggestion of my friend. But now I think I made the right decision because it gives me a lot of information about mental and physical psyche and their therapies. The next question is, have you ever experienced a decision that you thought it was right, but now you face the bad outcomes of that decision? Once a time I had a chance to go for abroad and I rejected and now I have regret on it. If I had taken that decision, my life would be much better. Controversial thoughts are painful and even debilitating. In such case, the controversial invites self-blame, which can make the anguish of a bad situation even worse. Assalamu alaikum, my name is Aruj. और मैं आपको बताऊंगी कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट के बारे में. ठीक है, हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे. ये मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके बताती हूँ. अच्छा अरविन, मेरी बात सुनो, इधर मोबाइल ऊपर करो थोड़ा. अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो दो ब्लू सर्कल्स हैं तो इसमें से ब्लू वाला सर्कल बड़ा वाला सर्कल कौन सा है इन दोनों में से? ये तो साफ साफ पता चल रहा है ये वाला बड़ा है. ये वो वाला ब्लू सर्कल बड़ा है और ये वाला छोटा है. ओके ठीक हो गया. अब नेक्स्ट वीडियो निकालो ज़रा, वीडियो नहीं सॉरी पिक. अच्छा अब ये देखो, ध्यान से देखो और मुझे ये बताओ, इन तीनों ये जो स्केयर्स हैं, ठीक है, इन तीनों के अंदर जो ये जो छोटे छोटे स्केयर्स हैं, सबसे डार्क ग्रे कलर किसका है? ओके, और उसके बाद ये और उसके बाद. ओके, तो सबसे डार्क जो है वो सेंटर वाला है जी. ओके ठीक हो गया. ओके, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने पूछा था, ठीक है, एक छोटा सा हमने एक्सपेरिमेंट किया कंट्रास्ट इफेक्ट पे. तो मैंने ये पूछा था कि इसमें से सबसे डार्क कलर कौन सा है, ग्रे कलर. तो मुझे इन्होंने बताया कि सेंटर वाला. बेसिकली अगर देखा जाए तो ये तीनों कलर सेम है. ठीक है, ये सेंटर वाला डार्क नहीं है. तीनों जो स्क्वायर्स हैं उनके कलर बिल्कुल सेम है. सिर्फ उन तीनों को कंपेयर करने से हमें ऐसा लग रहा है कि जो सेंटर वाला है वो डार्क है.
उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट पिक निकालो। इसमें भी यही है, इसमें भी अरमीन ने मुझे ये बताया कि जो साइड वाला ब्लू सर्कल है वो बड़ा, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। वही बात आ गई कि सर्कल ब्लू वाले दोनों सेम है, लेकिन सिर्फ हमने पिक्स को कंपेयर किया है तो इस वजह से हमें एक सर्कल बड़ा और एक छोटा लग रहा है। देर आर ट्विन ब्रदर्स हसन एंड हुसैन, बोथ आर स्टडिंग इन द सेम क्लास। हुसैन विंस द रेस इन स्पोर्ट्स गाला एंड ही थिंक्स दैट ही विल गेट द प्राइज, बट ऑन द रिजल्ट डे हसन गेट्स प्राइज बिकॉज ही गॉट फर्स्ट पोजिशन इन द क्लास। एंड हुसैन टर्न्स टू द डाउनवर्ड कॉन्ट्राफैक्चुअल थिंकिंग एंड ही थिंक दैट हिज टीचर डिड नॉट टीच हिम राइटली। ऑन द अदर हैंड हसन इज सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद हिज पोजिशन। सो लेट्स टॉक विद देम। आप दोनों कौन सी क्लास में पढ़ते हो? One. आपका नाम क्या है? हुसैन। बाबा का नाम, पूरा नाम बताओ ना। हुसैन। कहने आपको क्या प्राइज मिला? ड्राइंग बुक। आपको कब क्यों नहीं मिला? मुझे टीचर ने सही बुलाया था। आपने रेस में, आप रेस में पोजीशन लिया आपने, तो आपको किसी ने बताया था कि आपको कब मिलना है? नहीं। हुसैन आप खुश हो अपनी ड्राइंग बुक से? नहीं। आपका नाम क्या है? अच्छा हसन, आपने आपकी क्लास में फर्स्ट पोजीशन आई है तो आपको प्राइज मिला है, ये कब मिला है, कब दिखाओ अपना। तो आपको पता था कि आपको कब मिलना है? पता था आपको? हसन आप हैप्पी हो अपने कप से? यस। क्लास में कप लोगे दोबारा? यस। अस्सलाम वालेकुम, माई नेम इज़ इरफा आशिक एंड टुडे वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ अपवर्ड कॉन्ट्राफैक्चुअल थिंकिंग एंड डाउनवर्ड कॉन्ट्राफैक्चुअल थिंकिंग। सो लेट्स टॉक विद देम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीना रिजाई मुस्तफ़ा है। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। 5th क्लास में आपने क्या एक्सपेक्ट किया था, क्या सोचा था कि आपके कितने मार्क्स आएंगे? मैं सोचा था कि मैं 450 क्रॉस करूंगी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मार्क्स 497 आए हैं। क्या आप अपने मार्क्स से खुश हैं? जी मैं अपने मार्क्स से बहुत खुश हूँ और मैं इससे भी ज़्यादा मेहनत करूंगी और अच्छे मार्क्स लाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ईमान रज़ा मुस्तफ़ा है। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। 5th क्लास में आपने क्या एक्सपेक्ट किया था, क्या सोचा था कि आपके कितने मार्क्स आएंगे? मैंने सोचा था कि मेरे 430 प्लस क्रॉस करूंगी, लेकिन मेरे 413 मार्क्स आए हैं। क्या आप अपने मार्क्स से खुश हैं? नहीं मैं उदास हूँ क्योंकि मैंने 430 का टारगेट बनाया था। तो नेक्स्ट आपने क्या सोचा है? मैंने सोचा है कि मैं इंशाल्लाह मेहनत करूँगी और अच्छे मार्क्स लाऊँगी। फातिमा जी कपड़े आपने भाई निकाले हैं? नहीं मैंने नहीं निकाले। किसने निकाले हैं ये? हुसैन ने। आपको किसने बताया कि उसने निकाले हैं ये? वो मैं पहले भी गोभी खा लेते, पहले भी गुम कर देता है। आपको पक्का पता है उसने निकाले हैं भाई ये? पक्का पता है। सही वाला पक्का? जी सही वाला पक्का। अच्छा ये हुसैन ने निकाले फातिमा, ये मैं आपकी अलमारी में कपड़े ढूंढ रही थी इसलिए मैंने बाहर निकाले थे। हमने देखा कि जब हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है तो हम उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। कभी कभी हम फैक्ट से बिल्कुल ऑपोजिट होकर सोचते हैं, वो या तो हम अपने पास्ट के बिलीफ की वजह से कि पास्ट में ऐसा हुआ है तो अब भी ऐसा ही होगा तो हम ऐसा सोचते हैं, या फिर हम वैसे ही अपने आप अपने खुद से ही उसके जो जो हुआ है उसके बारे में हम आउटकम्स निकालते हैं कि ये ऐसे ही हुआ होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहती हूँ। करें, मैंने ये पूछना था कि जब आप डिप्रेशन में थी तो आपकी थिंकिंग क्या थी, मतलब आपको कैसे थॉट्स आते थे? जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो आपको मोस्टली जो होती है नेगेटिव थॉट्स जो होती हैं वो ही आती हैं।
और स्पेशली जो आपका रीज़न ऑफ डिप्रेशन होता है उसी से रिलेटेड आपकी हर चीज़, आपकी एक्टिविटीज़ भी उसी से रिलेट कर रही होती हैं और आपकी थॉट्स भी उसी से रिलेट कर रही होती हैं. तो सेम एज द केस विद मी. और जब बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है कोई रीज़न टेंशन की या वो, तो फिर ये हुआ था कि एनजाइटी अटैक्स. एंड उसका ये था कि मेडिकेशन और कंसल्टेशन विद डॉक्टर. तो मतलब ये कैसे ओवरकम किया था ना आपने, इसमें थोड़ा सा पार्ट आप कह लें कि डॉक्टर की मेडिसिन वगैरह और जो काउंसलिंग और वो सब था, और सेकंड जो था वो आपका इनर सेल्फ जब आपको मोटिवेट करता है ना किसी चीज़ से निकलने के लिए, वो सबसे बड़ी रीज़न होती है किसी भी डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए. सो आई स्टार्टेड टू थिंक पॉजिटिविटी टू फाइंड इन एवरी सिचुएशन, कि हर चीज़ में पॉजिटिव कुछ ना कुछ सोचना शुरू किया. फिर अपने आप को बिजी बहुत ज़्यादा किया, अपनी एक्टिविटीज़ जो थी वो पॉजिटिव चीज़ों में करना शुरू किया. हर सब कुछ मतलब वो चीज़ें के जिनसे आपको वो पास्ट या उससे रिलेटेड कुछ भी आपके माइंड में ना आए, मतलब आपने ओवरकम कर लिया था पॉजिटिव सोच के टू सम एक्सटेंट.